खबर तहजीब की नगरी लखनऊ से है, जहां एक दुकानदार और उसके पार्टनर पर चाकू से हमला कर दिया गया। दरअसल ये पूरा बवाल भूतनाथ मार्केट में रविवार रात हुआ, जहां रोहन और आजम चाय की दुकान पर केयरटेकर अब्दुल रहीम से हिसाब किताब करने गए थे, लेकिन पहले से घात लगाए कुछ लोगों ने इन दोनों पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वृंदावन धार्मिक ग्रंथों में मोक्षदायिनी कही जाने वाली मां यमुना की छाती धार्मिक नगरी में भारी मशीनों से खुलेआम छलनी की जा रहा है, जबकि प्रशासन इसे सिल्ट उठने का ठेका बताकर पूरी तरह आंखें मूंदे हुए है। ऐसे में यमुना भक्त और पतिती पावनी मां यमुना को अपनी आस्था का प्रतीक बताने वाले संत भी पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। परमिशन के अनुसार कुल 27,980 घन मीटर सिल्ट उठाने की अनुमति दी गई है, जिसकी आड़ में भारी मशीनों से मां यमुना की छाती छलनी कर नियमों को ताक पर रख कर दर्जनों बड़े ट्रक और 40 से 50 ट्रैक्टर परिक्रमा से बालू लेकर जाते देखे जा सकते हैं। परिक्रमा घनी आबादी वाला क्षेत्र है, उसमें उसके बावजूद डंपर उसमें फर्राटे भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन ऑलरेडी कार्यवाही कर रहा है, फिर भी उसको दोबारा चेक कराता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मथुरा से प्रताप जुड़ चुके हैं। प्रताप, मां यमुना की छाती छलनी की जा रही, अवैध खनन किया जा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? मैडम, मैं आपको जानकारी बता दूं कि यमुना जी ने अवैध खनन का काम बहुत ही जोरों पर चल रहा है। हमने मंडलायुक्त महेश्वरी जी से बात की तो उन्होंने बताया कि इस पर अधिकारी को निर्देश कर दिए गए हैं और जो भी उचित कार्रवाई होगी, अवैध खनन के जो कर रहे हैं उनके लिए उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी और सजा दिलाने का भी काम किया जाएगा। जी, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस मामले में? प्रशासन लगातार इन अवैध खनन जो कर रहे हैं। जी, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। महोबा में लोकसभा चुनाव की सकुशल संपन्न करने के बाद पोलिंग पार्टियां राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंची, जहां ईवीएम मशीन वीवी पैट सहित तमाम चुनाव सामग्री लेकर स्ट्रांग रूम में जमा कराई गई है। वहीं स्ट्रांग रूम को फुल सिक्योरिटी से लैस कर दिया गया है। 45 हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में जनपद महोबा में आज दोनों विधानसभाओं का मतदान हुआ। मतदान के पश्चात हमारी मतदान पार्टियां यानी पोलिंग पार्टियां सभी बूथों से मूव करके पंडाल में लगभग 80% से अधिक पार्टियां पंडाल में पहुंच चुकी हैं। 12-13 वाहन अभी बाकी है जो रास्ते में ही हैं, ऑन द वे हैं, वो भी आने वाले हैं जल्दी। आज ही अभी सभी ईवीएम हमारे स्ट्रांग रूम में सभी सील हो जाएंगी और उसके पश्चात जो है काउंटिंग वाले दिन ही वो स्ट्रांग रूम्स खुलेंगे। कल स्क्रूटनी है जो हमीरपुर में है और हमीरपुर में हमारे दोनों यारोज यहीं से जाएंगे और हमीरपुर में स्क्रूटनी की कार्रवाई होगी।